डीडवाना शहर में गंदे पानी भराव की समस्या के समाधान के लिए सीवरेज परियोजना अमल में लाई गई थी, लेकिन अब यही परियोजना पानी भराव की सबसे बड़ी वजह बन गई है। सीवरेज परियोजना न केवल आमजन बल्कि नगरपालिका प्रशासन के लिए भी जी का जंजाल बन गई है। करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद यह परियोजना आखिर क्यों कामयाब नहीं हो सकी और डीडवाना शहर के लोग क्यों हैं सीवरेज से परेशान, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि डीडवाना शहर के गंदे पानी की निकासी के लिए 2016 में 70 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना चालू की गई थी, मगर नगरपालिका ने इस महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने से पहले इसके तकनीकी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। नगरपालिका ने जल्दबाजी में सीवरेज लाइन तो शुरू करवा दी, लेकिन एचटीपी से निकलने वाले परिशोधित पानी के निस्तारण का पुख्ता प्रबंध नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अब यही पानी बड़ी समस्या बन गया है। फिलहाल इस पानी को मेला मैदान में छोड़ा जा रहा है, जिसने विशाल झील का रूप ले लिया है। धीरे धीरे बढ़ता यह पानी आसपास के रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। स्थिति यह है कि एसटीपी चला रही कंपनी के पास पानी की निकासी के लिए आउटलेट ही नहीं है। इस कारण पानी निकासी न होने से सीवर लाइनों में ही पानी ब्लॉक हो चुका है, जिसके कारण गली मोहल्ले में मौजूद चेम्बर भी ओवरफ्लो हो गए हैं, जिनसे गंदगी और मलबा सड़कों पर बह रहा है। इससे शहर के कई इलाके सड़ांध मार रहे हैं और शहरवासी दुर्गंध व गंदगी के बीच नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन हालातों से रूबरू होने के बावजूद नगरपालिका ने सीवरेज के दूसरे फेज का काम भी शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में यह समस्या कम होने के बजाय और बढ़ सकती है। हालात ये है कि आने वाले कुछ ही समय में अगर परिशोधित पानी की निकासी नहीं हुई तो यह पानी पूरे शहर का सीवरेज सिस्टम ब्लॉक कर देगा। वहीं लगातार बढ़ता परिशोधित पानी झील की पाल तोड़कर शहर में प्रवेश कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो डीडवाना शहर में बिन बरसात ही जल भराव हो सकता है। वहीं गंदा पानी भरने से शहर के सड़ांध मारने और बीमारियां फैलने की आशंका भी बढ़ सकती है। आज 3 महीने हो गए, सभी चेम्बर ओवरफ्लो हो रखे हैं। नगर पालिका में शिकायत करते हुए आज 3 महीने हो गए, सीवरेज वालों को बता दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और महामारी फैल रही है। इतनी बदबू आ रही है कि कहीं कोई मतलब घर में बैठ के भी भोजन नहीं कर सकता। सर, हम दुकानदार हैं, हमारे यहाँ लगभग 1.5 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही है। बार बार यहाँ सीवरेज का पानी गंदा इकट्ठा हो गया है, जिससे हम दुकानदार सहन कर रहे हैं। बीमारियाँ फैल रही है, सुअर नहा रहे हैं यहाँ पे और ग्रह कांड दिक्कत हो रही है। और ये रास्ता जो है मेन बाज़ार का आम रास्ता है, जिसमें सभी लोग आते जाते हैं, जिसको बहुत तकलीफ हो रही है। और हमने जिलाधीश महोदय तक जो है इसकी शिकायत पहुँचा चुके हैं 181 पर, तब भी कोई त्वरित कार्यवाही नहीं हो रही है। सर, यहाँ पर 4 MLD पानी आ रहा है, जिसको हम ट्रीटेड करके आउटलेट कर रहे हैं। आउटलेट की व्यवस्था नहीं होने के कारण अब चैम्बर ओवरफ्लो हो रहा है और पर डे 4 MLD 40 लाख लीटर पानी मेला मैदान के अंदर छोड़ रहे हैं। वही पानी रिटेड घूम करके पाइपलाइन के अंदर सीवरेज की जो मेन लाइन है उसके अंदर आ रहे हैं, उसकी वजह से चैम्बर ओवरफ्लो हो रहा है। और हमारे को तो सीसी टैंक खाली नहीं है पूरा, उसकी वजह से डिकेंडर टूटने की पूरी संभावना है। सर, हमारा जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसका जो आउटलेट है वो हमारा यहीं पर जो पोंड बने हुए हैं उसमें आता है, और पीछे शहरों में कुछ जगह ऐसी है जो काफ़ी नीचे है, जिसके लिए SPS लगाए गए हैं जो हमारे यहाँ पे पानी डालते हैं। जो पानी हमारा इनलेट चैम्बर से आता है उसको हम पूरा का पूरा शोधन करते हैं, लेकिन अगर वहाँ से पानी ऊपर नहीं उठा पाते हैं जिनका SPS है, तो वहाँ पे जल भराव होने की समस्या होने लगती है। अब उसमें अगर वहाँ से जल निकासी हमारे पास आती है तो हम उसका पूरा शोधन करते हैं। अब जल निकासी के लिए हम जो हमारे पास पानी आता है उसका हम पूरा शोधन कर रहे हैं। यहाँ पे सीवरेज चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं और संबंधित संवेदक को हम शिकायत आने पे बार बार हमारा यही प्रयास रहता है
की शिकायत का समाधान हो जाए, और दूसरी ओर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है और बारिश की आवक की वजह से किसान भी पानी कम ले रहे हैं, तो पानी ज़्यादा एकत्रित हो रहा है और इस पर नगर पालिका अपने स्तर पर प्रयास भी कर रही है, दो लाइनें भी डाली गई है और किसानों को खेती में ये पानी लेने के लिए बार बार उनमें रुझान भी लाया जा रहा है। और आर यू आई डी पी को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है, जिसमें ये सीवरेज गंदे पानी की निकासी है तो DPR भी तैयार कर रहे हैं, तो इसके बाद ही कोई सही समाधान हो पाएगा।